न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र पर हमला, कहा सारे मंत्री कॉमेडियन है। बॉडी में खुजली का पाउडर डाल लूटे 3 लाख रुपए, आरोपी फरार। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम, 3 दिन पहले दिया था एसडीएम को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। केंद्र मंत्री रामदास अठावले द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों को कॉमेडियन तक कह दिया। डोटासरा ने कहा कि अठावले जी क्या कहते हैं, कौन केंद्र मंत्री क्या कहता है, सारे कॉमेडियन है। डोटासरा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी किस तरीके की सरकार चला रहे हैं, वे झूठे हैं, अहम है उनमें और अहंकारी हैं और सत्ता के दुरुपयोग की सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक है, एक थी और एक रहेगी। जब सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वासित प्रस्ताव लाई और भाग गई, तब पूरी कांग्रेस एकजुट थी। सरकार बनी थी तो हम सब एक जगह थे, फिर वे किसी नसीहत दे रहे हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। राजस्थान से बीजेपी के 25 सांसद हैं, 3 मंत्री हैं, लेकिन कोरोना काल में कोई पैकेज या सहायता राजस्थान के लिए लेकर नहीं आए। केंद्र ने राज्यों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कोरोना के केंद्र में मंत्री गंभीर नहीं है, ऐसे में मंत्री पर क्या टिप्पणी की जाए। और अब खबर दौसा से, जहां पे जिला मुख्यालय पर पुराने शहर पर ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही विधायक का और ना ही नगर परिषद सभापति का। देखने वाली बात यह है कि लोगों ने सरकारी जमीन सहित भूखंडों तक पर अपना कब्जा जमा रखा है। एक बड़े हॉस्पिटल संचालक ने तो रास्ते पर ही आवाज बना डाला, और तो और नगर परिषद द्वारा इतनी बड़ी आबादी में सुलभ शौचालय तक नहीं बनाया गया, जबकि पुराने मुर्देघर की बिल्डिंग में वहीं के निवासियों ने आवाज बनाकर कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि वहीं पर एक बड़ा गजक बनाने का अवैध कारखाना भी स्थापित है, जिसकी जांच की जाए तो स्वास्थ्य के अनुसार सीधा सीधा खिलवाड़ है। स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षकों ने भी अपनी आंखें मूंद रखी है। ऐसा लगता है कि ना तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का कोई ताल्लुक है और ना ही स्वच्छता से। ऐसे में कैसे पूरा होगा यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वच्छ शहर सुंदर शहर का सपना। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जानकारी होने के बाद भी जिला मुख्यालय पर बैठे प्रशासन के आला अधिकारी लेंगे पुरानी शहर के सुध, या फिर सरकारी जमीन एवं भूखंडों से अवैध कब्जा को मुक्त कराएंगे। बताओ क्या मामला है? मामला यह है सर कि दौसा के अंदर जो सब्जी मंडी है जो अस्थायी रूप से लग रही है, चुंगी दरवाजे से लेके पुराने पंप हाउस के आगे तक पूरी तरीके से शहर में किले सागर और नीलकंठ महादेव के जाने के लिए एकमात्र मुख्य मार्ग, सबसे चौड़ा मार्ग शहर के अंदर चुंगी चौकी से जाता है, जिसके अंदर अस्थायी रूप से ठली ठेले वालों और सब्जी वालों ने पूरे प्रतिक्रमण कर रखा है। पुराना मुर्दा घर और पंप हाउस के आगे स्थायी रूप से कबाड़ लगा के लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। सरकारी भूमि का किराया लिया जा रहा है, अवैध रूप से सरकारी भूमि का किराया लिया जा रहा है और नालियों को छोड़ के आगे तक की मुख्य दुकानें बना रखी है, डंडे करके चबूतरे बना रखे हैं, सब पे अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर पुराने मुर्दा घर के पे अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर सरकारी कई भूमि है जिसमें सुलभ शौचालय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। नगरपालिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। कई बार इस चीज़ के लिए नगरपालिका को जताया गया, बताया गया, पर नगरपालिका इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आती है तो नगरपालिका छोटे लोगों को भेज के और वो इनसे कुछ खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। और पुराना मुर्दा घर है, यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। पुरानी सब्जी मंडी शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है जो यहाँ बहुत ज़रूरी है सुलम कॉम्प्लेक्स की। पुराना मुर्दा घर की जगह इस जगह सुलम कॉम्प्लेक्स बने। और अब खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां पे अक्कासर गांव में जगदीश गोदारा को जन्म से अभी तक वे चारपाई पे हैं, अभी 20 साल के हो गए हैं, उनके हाथ पैर और गर्दन काम नहीं करते। इनको खाना पीना इतने सालों से इनकी माता शांति देवी और पिता रखराम गोदारा करते हैं।
शांति देवी ने बताया कि गांव के एक सरकारी शिविर लगा था, इनमें 50% विकलांग का सर्टिफिकेट बनाया, जबकि ये 100% विकलांग है। उन्होंने बताया कि हम 20 साल से इनकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ अपने आप कुछ नहीं कर पाते, हमें अभी तक इनके लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है, यहाँ तक कि इसका आधार कार्ड भी नहीं बन पाया है। पिता रामराव गोदारा ने बताया कि इतने सालों से हम 6 महीने के बच्चे की तरह पालन पोषण कर रहे हैं, अब पूरी उम्र इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। माता और पिता ने सरकार से गुहार लगाई है कि इनको पेंशन और अन्य सुविधा दिलाने की मांग की है। और अब खबर पावटा से, जहां पे निकटवर्ती ग्राम ललाना निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र शंभू सिंह उम्र 42 साल ने बताया कि मंगलवार को वह अपने गांव ललाना से एक बैग में 3 लाख रुपए लेकर बाइक से पावटा सुबह 10 बजे के करीब बालाजी मेगा मार्ट के सामने से आकर रुका। वहीं से कुछ लोगों द्वारा मेरी रेकी की जा रही थी। मैं जब जयपुर जाने के लिए बालाजी मेगा मार्ट से रोड पर आकर जयपुर स्टैंड पर पहुंचा तो एक लड़का मेरे पीछे पीछे आया और मेरे पीछे गर्दन पर खुजली का पाउडर डालकर चले गया, जिससे मेरे पूरे शरीर में खुजली चलने लगी, जिस पर मैंने एक होटल पर जाकर अपने कपड़े उतार कर मुँह धोने लगा। मुँह धोकर जब मैं अपनी नज़र रुपयों के बैग पर डाली तो मुझे वो गायब मिला। मेरे द्वारा किए गए 1 घंटे के प्रयास के बाद में उस व्यक्ति के नहीं मिलने पर मैंने कुनेर सरपंच नरपत सिंह शेखावत को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर आकर प्रागपुरा पुलिस को सूचित किया, जिस पर प्रागपुरा थाना उपनिरीक्षक दिलीप कुमार मैजाप्ता मौके पर पहुंचे। आसपास के मॉल व बैंकों में कैमरे के फुटेज खंगाले, जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा वारदात को अंजाम देना दिखाई दे गया, जिसमें जितेंद्र सिंह ने बताया कि 3 लाख रुपए जयपुर में एक व्यक्ति को देने थे। पावटा कस्बे के जयपुर स्टैंड निकलने के दौरान 2 युवक मेरे पीछे आने लगे, लेकिन उन्होंने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दोनों युवकों ने जितेंद्र सिंह पर अचानक खुजली का पाउडर डाल दिया। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान उनके खुजली होना शुरू हो गई। 2 युवक को पीछे देखकर वह सीधा एक होटल में पहुंचे, जिसमें लगातार खुजली होती देख उनमें से एक व्यक्ति द्वारा कपड़े निकालकर झटकार ने वह मुंह धोने की बात कही, जिस पर जितेंद्र सिंह ने 3 लाख रुपए के नोटों के बैग को निकट में ही रख दिया, वह मुंह धोने लगा। इसी दौरान वहां पर पहुंचे 2 युवक ने मौका देख बैग उठा ले गए। नोटों का बैग गायब देख उनके होश उड़ गए, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने दोनों युवक को इधर उधर तलाशना भी शुरू किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आपके थैले में 3 लाख 3 लाख कहाँ से आ रहे थे आप? मैं गांव से आया हूँ ललाना। बीच में कोई दिक्कत हुई है आपको? बीच में कोई दिक्कत नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठ के आया था जी। तो कहाँ उतरे आप? मेगा मार्ट के सामने। फिर कहाँ गए? सामने रोड क्रॉस कर जयपुर स्टैंड पे। फिर वहाँ आपके साथ क्या हुआ? वहाँ खुजली चली मेरे। अच्छा, तो मैंने एक आदमी को दिखाया कि मेरे लड़ गया क्या? वो बोला नहीं बेटा कुछ नहीं है। तो पीछे से फिर दूसरा वो काला काला है ना, वो आया, बोले कपड़े निकालो भाई सब यहाँ पे डल रहे हैं आपके। तो मैं निकाल वाला आपको, फिर उधर मुँह जाके धोने लगा। मुँह जैसे धोया तो मेरा थैला में था ही नहीं वहाँ। वो लड़का कहाँ गया? आपके बाल्टी ला के दी पानी की, वो गायब हो गया वहाँ से दिखाई। तो वो ही लेके गया पैसे। और अब खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे से, जहां पे विधानसभा क्षेत्र के किशोरपुरा में झाड़ियों के ढाणी के पिछले 15 साल से धरती के बराबर खंडर बड़ा सूखा हुआ बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। कई बार स्थानीय ढाणी के गांवों ने लोगों में खुले पड़े हुए बंद करवाने की मांग को लेकर पंचायत स्तर से जिला स्तर तक के अधिकारी कर्मचारियों को कई बार पत्र भेज चुके हैं, लेकिन उसमें किशोरपुरा ग्राम पंचायत के झाड़ियों की ढाणी में पिछले 15 साल से खुला पड़ा खंडर कुएं में आए दिन भेड़ बकरियां आवारा पशु गिर जाते हैं, जिसमें कई बार कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। जमीन के बराबर समतल भूमि पर खंडर पड़े सूखे हुए को बंद करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बंद करवाने की मांग की है। और अब खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां पे कोटड़ी फाटा ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटड़ी फाटा से जागेरी धाम तक सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन हादसे होने की आशंका बनी रहती है और कई बार दुर्घटनाएं घटित भी हो चुकी है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित होकर 3 दिन पूर्व SDM कोलायत प्रदीप कुमार को ज्ञापन भी दे चुके हैं। समाज सेवी ताराचंद के नेतृत्व में आज कोटड़ी फांटे पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा कि जल्द ही अगर सड़क नहीं बनाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोटड़ी फांटा से
मठ तक जाने वाला ये जो रास्ता है बिल्कुल दुर्गति के अंदर है। अभी फिलहाल आज से 3 दिन पहले कोलायत उपखंड पे हमने जो ज्ञापन दिया था SDM साहब को कि इस सड़क पर किसी प्रकार की जो कार्रवाई हो सकती है, ये सड़क नवीनीकरण के लिए जो कार्रवाई हो सकती है वो करवाई जाए, लेकिन उस ज्ञापन का कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कल से हम वेट कर रहे हैं, हमारे से ना कोई SDM ऑफिस से मिला है, ना हमें कोई लिखित में सूचना दी गई है कि हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। इसे परेशान होकर जो ग्रामवासी थे सारे आक्रोशित होकर के आज कोटड़ी फांटा पे है, इन्होंने कोटड़ी फांटा से सड़क को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया है। अब SDM साहब से उम्मीद करते हैं कि अब गांव के लोगों का ये आक्रोश देख करके आप फांटे पे आए, लोगों से कम ये तो पूछे कि हम लोग कितनी परेशानी में हैं, हम खाने के अंदर ये मिट्टी खा रहे हैं, पानी के साथ मिट्टी पी रहे हैं, 3-3 सरकारी स्कूलें हैं वो इस सड़क से सटी हुई है, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब खबर रामदेवरा से, जहां पे HDFC बैंक संग्रम विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर द्वारा संचालित मरुगंधा परियोजना के तहत उर्मूल समिति परिसर में महिला हस्तकला उत्पादन निर्माण के 2 दिवसीय कार्यशाला हुई। आज पहले दिन भाग लेने वाली महिलाओं को परियोजना निर्देशक दीनदयाल अरोड़ा ने बताया कि इस तरीके की कार्यशाला से महिलाओं में अपने कार्य की निपुणता हासिल कर सकती है। इस कार्यशाला के माध्यम से अपने कष्टदारों का काम सिखाया जा रहा है, जो कि अपना रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद करेगा और आपके परिवार में रोजगार बढ़ाएगा। अरुणा ने बताया कि संस्था के यही प्रयास है कि आपको किसी न किसी रूप में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। और अब खबर जैसलमेर के भणियाणा से, जहां पे आज जैसलमेर जिले की पंचायत समिति भणियाणा में पहली मीटिंग का आयोजन प्रधान दोली रणवीर सिंह गोदारा की मौजूदगी में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान दोली रणवीर सिंह गोदारा ने की, जिसमें दोली गोदारा ने सभी विकास अधिकारियों सहित सभी कार्मिक मौजूद रहे। विकास अधिकारी गौतम चौधरी ने भणियाणा पंचायत समिति के सभी ग्रामवासी अधिकारी व कर्मचारी को नई पंचायत समिति में विकास कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए व तुरंत प्लान बनाकर शुरू करने के निर्देश दिए। विकास अधिकारी गौतम चौधरी ने कहा कि भणियाणा पंचायत समिति में हर सरकारी योजना को धरातल पर लागू करने के प्रयास करने जाएंगे, इसके साथ में ही जिससे आमजन को यहाँ पे योजना का लाभ मिल सके। दोली रणवीर सिंह गोदारा ने कहा कि मैं हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलूंगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आमजन को अपने काम के लिए कम से कम चक्कर लगाने पड़े व तुरंत राहत मिले, जिसको लेकर जिम्मेदार कर्मियों को पाबंद करेंगे। और अब खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से, जहां पे पंचायत समिति से नवनिर्वाचित प्रधान अमनदीप कौर द्वारा ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा पुष्प व माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विनोद गोटवाल ने संबोधन करते हुए कहा कि पीलीबंगा पंचायत समिति में जनता के भरोसे जताया और उस पर हम खरे उतरेंगे। सभी ग्राम पंचायतों का चौमुखी विकास करवाया जाएगा। किसान आंदोलन में दिल्ली बैठे किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। विनोद गोटवाल ने बताया कि मेरे यहां तक पहुंचने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी जनता है, मेरे कार्यकर्ता हैं। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।